और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 4 लोगों की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। कैलिफोर्निया के मर्सीड काउंटी में कुछ दिन पहले ही इन लोगों का अपहरण किया गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि इनका शव एक बगीचे से मिला है। अपहरणकर्ता ने 8 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा और 8 महीने की बच्ची की भी जान ले ली। पंजाब के होशियारपुर का ये परिवार रहने वाला था। तो आपको बता दें कि भारतीय मूल के 4 लोगों की हत्या हो गई है अमेरिका में, और ये बड़ी घटना है क्योंकि पहले अपहरण किया गया उसके बाद हत्या कर दी गई। एक बगीचे में इनका शव मिला है। आपको बता दें कि मृतकों में एक 8 महीने की बच्ची है, उसकी भी हत्या कर दी गई है। ये बड़ा सवाल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी है, और जो अमेरिका में कानून व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में 20 साल के भारतीय अमेरिकी छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र का नाम वरुण मनीष छेड़ा है। आपको बता दें कि वरुण मनीष के रूममेट पर वरुण की हत्या करने का आरोप लगा है। 22 साल के युवक जी मिंसा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वरुण मनीष छेड़ा के शरीर पर गहरी चोट के निशान है। फिलहाल घटना की जांच जारी है। तो एक और घटना हुई है अमेरिका में। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के एक छात्र की यहां पर हत्या कर दी गई है और रूममेट पर ही हत्या का आरोप लगा है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। और ये खबर है कि भारतीय मूल के छात्र की हत्या हुई है और उसके रूममेट को गिरफ्तार किया गया है।